हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके साह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर 26, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कहने का मतलब है प्रिज्म अंडर वाइट लाइट, यानी प्रिज्म के सामने यदि वाइट लाइट आ गया तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, उसी के बारे में बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, अब तक जो लाइट हमने प्रिज्म के सामने लिया था लास्ट दो वीडियो में, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट था। मोनो मतलब एक और क्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, यानी हमने जो लाइट लिया था वो सिंगल कलर वाला था। आपको ऑलरेडी पता है कि यदि कोई वाइट लाइट प्रिज्म के सामने आता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, जिसका नाम है विवग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, रेड, इस तरह से ये स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट 7 कलर्स में। तो आज हम देखेंगे यदि वाइट लाइट आ गया प्रिज्म के सामने तो क्या क्या घटनाएँ घटित हो सकती है। बेसिकली हम दो फिनोमेना के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव द स्टोरी ऑफ व्हाट डिविएशन एंड डिस्पर्शन। बेसिकली दो कहानी यहाँ पे हमको पढ़ना है, डिस्पर्शन होगा और डिविएशन होगा। बट इसको यूज करने के लिए हम बार बार जो कहानी लेंगे वो दैट इज फॉर ओनली थिन प्रिज्म। किसके लिए कहानी पढ़ेंगे सर हम? ये पूरा कहानी हम पढ़ेंगे केवल वो प्रिज्म जो थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म उस प्रिज्म को बोलते हैं सर जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है। एंगल ऑफ प्रिज्म कहने का मतलब है यदि इधर से लाइट गया और इधर से बाहर आया तो ये जो एंगल है ये बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल यदि बहुत ही छोटा है, इफ़ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट सिनेरियो दैट प्रिज्म इज़ नॉन एज थिन प्रिज्म, तभी उस प्रिज्म को सर थिन प्रिज्म बोलेंगे। हम जितने भी कहानी पढ़ने वाले हैं ऑल दोज फार्मूला विल बी वैलिड ओनली फॉर द थिन प्रिज्म। अच्छा, थिन प्रिज्म की क्या स्पेशलिटी है सर? तो इसके लिए डिविएशन का फार्मूला होता है। थिन प्रिज्म में डिविएशन का फार्मूला है म्यू माइनस वन इंटू ए। और ये हमने प्रिज्म्स का इंट्रोडक्शन वाले वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 में ही बताया था, जहाँ पे प्रिज्म हमने स्टार्ट किया, यानी ऑलमोस्ट 24th नंबर वीडियो में आप देखेंगे कि डिविएशन ड्यू टू थिन प्रिज्म का फार्मूला आया था म्यू माइनस वन इंटू ए, वेर ए इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड म्यू इज़ द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बट साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट कलर आएगा और कलर जो है वो बेसिकली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है। अलग अलग कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अब तक तो हम मीडियम पे जानते थे डिपेंडेंट है, बट साथ ही साथ कलर पे भी डिपेंडेंट है। क्यों सर? क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन हवा, कहने का मतलब है एयर, बाई स्पीड इन मीडियम। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको चाहिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी सी, और सी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी जिस मीडियम का अपन को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम का स्पीड, जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपन को चाहिए उसका मीडियम का स्पीड नीचे होता है और ऊपर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, तो इस फार्मूले को बेसिकली यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसको एक से लिखेंगे। सी तो कांस्टेंट है सर, 3×10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल है वी। वी को बेसिकली हम लिखते हैं एफ लैम्डा। वी इक्वल टू क्या लिखें सर? एफ लैम्डा। अब ये कहाँ से आ गया सर? ये आपको ऑलरेडी पता है वी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है सर। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कहाँ से आ गया सर? चलिए बता देते हैं। लाइट को यदि हम वेव के जैसा ट्रीट करें तो ये है वन कंप्लीट वेव ऑफ द लाइट। वन कंप्लीट वेव है सर। वन कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है सर उस लेंथ का नाम है वेवलेंथ, और वन कंप्लीट वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो लेंथ बाय टाइम ही हो जाता है क्या? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ऑफ द वेव, और यहाँ तक जाने में टाइम लगा कैपिटल टी। तो वन बाय टाइम को बोलते हैं सर फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का लैम्डा तो आ ही गया जो हमने पहले बोला था वी इक्वल टू क्या? एफ लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो हर एक मीडियम में सेम होता है सर। फ्रीक्वेंसी वाटर में लाइट का जितना है, वाटर के अलावा ग्लास में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहेगा? सेम। तो क्या चेंज होता है सर? वेवलेंथ। यानी यहाँ पे सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं इस फार्मूले से? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कहने का मतलब है जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम, और जिसके लिए
वेवलेंथ कम उसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। थोड़ा जान लेते हैं ये किसके लिए होता है। तो फॉर रेड कलर, कौन सा कलर सर? रेड कलर के लिए बालक, कौन सा कलर? रेड कलर सर, रेड कलर के लिए वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कौन सा कलर सर? रेड कलर के लिए वेवलेंथ होता है मैक्सिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम है तो म्यू हो जाएगा सर क्या? मिनिमम। यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर दैट इज मिनिमम। ऐसे याद रख सकते हैं सर, थोड़ा अच्छा सा लिख रहे हैं, इधर लिखते हैं। रेड कलर के लिए, रेड के लिए वेवलेंथ होता है सर मैक्सिमम और म्यू होता है मिनिमम। अच्छा, वायलेट के लिए उल्टा हो जाता है सर। फॉर वायलेट कलर क्या होगा सर? वेवलेंथ हो जाता है मिनिमम एंड म्यू हो जाता है, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाता है मैक्सिमम। तो ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा क्या, कि म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैक्सिमम होता है रेड कलर के लिए और मिनिमम होता है क्या? वायलेट कलर के लिए लैम्डा। बट म्यू मिनिमम है रेड के लिए और मैक्सिमम है वायलेट के लिए। ये थोड़ी कहानी हम बार बार कहानी इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और टर्म हम यूज़ करेंगे। हमारे पास 7 डिफरेंट कलर है सर, क्या VIBGY है क्या? विवग्योर है सर। वाइट लाइट में ये 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर है। अब इस 7 डिफरेंट कलर में से यदि आपको बोला जाए व्हाट इज़ द मीन कलर, एवरेज कलर क्या है, तो आप बोलेंगे सर इधर से 3 और इधर से भी 3, बीच में रह गया कौन? ग्रीन। इधर से 3, इधर से 3, बीच में रह गया ग्रीन, तो ग्रीन होना चाहिए क्या? मीन। नहीं सर, मीन कलर ग्रीन कलर नहीं है, येलो को बोला जाता है मीन कलर। हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? इस 7 कलर में जो येलो वाला कलर दिख रहा है ना, ये येलो, इस येलो कलर को बोलते हैं मीन कलर। मीन कलर क्यों बोलते हैं येलो को, क्यों ग्रीन को क्यों नहीं बोलते? ग्रीन तो मिडिल में आ रहा है तो इसको मीन बोलना चाहिए। नहीं सर, सबकी इंटेंसिटी यदि हम देखेंगे तो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कलर इन वाइट लाइट सबको ऐड कीजिए। जैसे इसका मान लीजिए 20% है, इसका 25% है, इसका 30%, इसका 40, इस तरह से सबका परसेंटेज लिखिए और सबके परसेंटेज को लिख के 7 से डिवाइड कीजिए, तो एवरेज वैल्यू जो आएगा वो येलो कलर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। कहने का मतलब है वाइट लाइट में हर एक कलर का प्रोपोर्शन अलग अलग है, उन सारे प्रोपोर्शन को यदि ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ येलो कलर ऑफ लाइट, वो येलो के बराबर होता है, इसलिए येलो कलर को बोला जाता है मेन कलर। समझ में आया? तो व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर में येलो को कई बार हम बोलेंगे क्या? मेन कलर। तो इतना हमको बेसिक चाहिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है डिविएशन एंड डिस्पर्शन। पहला कंडीशन है थिन प्रिज्म के लिए पढ़ेंगे। डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस ए होता है। अच्छा, म्यू की वैल्यू अलग अलग कलर के लिए अलग होता है, रेड के लिए मिनिमम, वायलेट के लिए मैक्सिमम। क्लियर है क्या? सारे कलर में से वायलेट कलर, सॉरी येलो कलर को क्या बोलते हैं सर? मीन कलर बोला जाता है। चलिए अब आते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है दो फिनोमेना पढ़ना, जो कि है डिविएशन एंड डिस्पर्शन। इसको कई बार बोलते हैं प्रिज्म अंडर वाइट लाइट। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, प्रिज्म के सामने कैसा लाइट है सर? वाइट लाइट। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझते हैं सर। ये यदि एक प्रिज्म है और इसके सामने यदि वाइट लाइट आ गया, यानी अब तक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा था, बट अब कौन सा लाइट आ गया सर? अब ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसमें कई कलर का कॉम्बिनेशन है, सिंगल कलर ये नहीं है। दिस इज अ वाइट लाइट। वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर है। जैसे यहाँ पे जाएगा, हर एक कलर के लिए सर वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। विवग्योर में यदि देखेंगे, अभी अभी बताया सर, विवग्योर रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या है सर? मिनिमम है। अच्छा, वायलेट के लिए म्यू की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, ये बेसिकली क्या बताता है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए यदि अलग अलग हो, जिस मीडियम के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है लाइट ज़्यादा बेंड होगा। कहने का मतलब है वाइट लाइट इधर से गया, वायलेट के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। वायलेट कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा। तो वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगा, और रेड के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, यानी रेड में सबसे कम बेंडिंग होगा। हायर द वैल्यू ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, हायर विल बी द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। तो इसका एक्चुअल पाथ सर ये था, ध्यान से देखो सर, ये था एक्चुअल पाथ।
तो एक्चुअल पाथ से सबसे ज़्यादा बेंडिंग यदि देखा जाए तो ये इस तरह से बेंडिंग होगा। मान लो दो लिए एक्सट्रीम केसेस, सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगा सर वायलेट में और सबसे कम बेंडिंग होगा रेड में। तो देखिए ये सबसे कम बेंडिंग है किसमें है, रेड में। सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसमें होगा सर, वायलेट में। अभी लिखने का नहीं, अभी हम जस्ट कहानी बता रहे हैं, सीक्वेंस में हम फिर बताएंगे आपको। तो इधर से व्हाइट लाइट यदि गया तो बेंडिंग रेड के लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम कहने का मतलब उसमें बेंडिंग सबसे कम होगा, जिसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उस लाइट में उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। चलिए तो वायलेट का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है सर, तो इसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है क्या? तो वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुआ, एक्चुअल पाथ से सबसे ज़्यादा बेंड किया वायलेट और सबसे कम बेंड किया कौन, रेड। बाकी सब इसके बीच में है। क्लियर है क्या? ये हो गया। तो फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्शन, और एक्चुअल पाथ से लाइट को डिविएट होने के फिनोमेना को बोलते हैं डिविएशन। तो अब आते हैं मेन उद्देश्य है क्या, दो फिनोमेना पढ़ना। तो क्या क्या है सर फिनोमेना? हाँ, जो हम भी हम कहानी पढ़ रहे हैं बालक, वो थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो दो फिनोमेना है सर, एक है डिविएशन ऑफ लाइट, डिविएशन ऑफ लाइट, और दूसरा हमको पढ़ना है सर, ये एक फिनोमेना है। दूसरा जो फिनोमेना है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक है डिविएशन ऑफ लाइट और दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा, डिविएशन ऑफ लाइट का मतलब है, डिविएट होना का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ से लाइट के बेंड होने के फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं सर, डिविएशन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, डिस्पर्शन क्या है सर? डिस्पर्शन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। अलग अलग कलर में लाइट के स्प्लिट होने के फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन, और लाइट के एक्चुअल पाथ से बेंड होने के फिनोमेना को बोलते हैं क्या सर, डिविएशन। क्लियर है क्या? फिनोमेना यदि देखना है तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में लाइट गया। अच्छा, प्रिज्म में हम अभी जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम ऐसे बनाए थे, ये गया कौन सा लाइट सर, वाइट लाइट। ओके, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा होना चाहिए तभी सारा फार्मूला वैलिड होगा। चलिए, क्यों, ये हमारा एजम्पशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सो दैट वी कैन अप्लाई द फार्मूला फॉर थिन प्रिज्म। ओके, अब यहाँ से गया तो दो बार हमको बेसिकली स्प्लिट करना पड़ रहा था, एक बार ये इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे। तो हम बेसिकली ऐसे सिचुएशन से अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि दो दो बार डिविएशन हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट ले रहे हैं जहाँ पे एक ही बार डिविएशन होगा। यानी हम सेम प्रिज्म लेंगे, थिन प्रिज्म लेंगे, बट थोड़ा सा चालाकी करेंगे सर। चालाकी करने का मतलब क्या है, देखो हमने लिया है राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म। कैसा प्रिज्म लिया है सर, राइट एंगल ट्रायंगुलर। ऐसा करने से क्या होगा, दो जगह पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एक ही जगह पे होगा। थोड़ा ध्यान से समझना, यानी बेंडिंग एक ही जगह पे होगा, इसलिए थोड़ा ये चालाकी की। अच्छा, ये जो एंगल है सर, यही है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। अब बेसिकली एक ही बार क्यों होगा, क्योंकि लाइट अभी के लिए हमने लिया नॉर्मल इंसिडेंस, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे हिट किया, तो इसमें कोई डिविएशन होगा ही नहीं। लास्ट केस में दो पॉइंट पे हो रहा था, एक इस सरफेस पे, दूसरा इस सरफेस पे, बट यहाँ पे इस सरफेस पे ये 90 डिग्री पे हिट किया और ये जो लाइट है हमारा प्यारा सा वाइट लाइट, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने चालाकी किया ताकि यहाँ पे 90 डिग्री पे गया तो यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा, सारा कहानी यहाँ से चालू होगा। ओके, चलिए तो एक्चुअल पाथ लाइट का क्या है सर, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, ये हमारा एक्चुअल पाथ है लाइट का इस तरह से। ओके, अच्छा, लाइट में क्या हो गया, स्प्लिटिंग हुआ, यहाँ से अब स्प्लिटिंग होगा। वायलेट के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वायलेट में सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगा और रेड में सबसे कम। तो दिस इज आवर वायलेट कलर एंड दिस इज द रेड कलर, बाकी सब कलर इसके बीच में है सर। तो वायलेट और रेड में ये बेसिकली स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और एक्चुअल पाथ से साथ ही साथ ये लाइट क्या हुआ, बेंड हो गया। एक्चुअल पाथ इसका ये था, एक्चुअल पाथ से बेंड हो गया, दैट फिनोमेना इज नोन एज डिविएशन ऑफ लाइट। तो एक्चुअल पाथ से कितना बेंड हो गया सर,
तो देखो दो बार बैंड हुआ, एक रेड बैंड हुआ, दूसरा वायलेट। तो रेड में ये वाला बैंडिंग हुआ, वायलेट में कितना हुआ सर? दिस इज द बैंडिंग इन वायलेट। तो बैंडिंग या डिविएशन को डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा वी मतलब डिविएशन इन वायलेट कलर। तो ये जो डिविएशन है उसको लिख रहे हैं डेल्टा वी। ओके, रेड में कितना डिविएशन हुआ? रेड में ये इतना डिविएशन हुआ, इसको लिख रहे हैं डेल्टा आर, यानी डिविएशन इन रेड कलर एंड डिविएशन इन वायलेट कलर। क्लियर है क्या? चलो सर, तो ये पूरी कहानी है। लाइट में डिस्पर्शन और डिविएशन दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, यानी लाइट स्प्लिट भी हो रहा है और लाइट डिविएट भी हो रहा है। डिस्पर्शन एंड डिविएशन बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्रिज्म। चलो सर, मजा आ गया। अब पढ़ते हैं कि यदि हमको डिविएशन को मेजर करना है या डिस्पर्शन को मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे। डिविएशन को मेजर करना है तो सर डेल्टा लिखेंगे, आप यही बोलोगे डेल्टा लिखेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डिविएशन हर एक कलर के लिए अलग अलग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में हमें एक ऐसा कलर लेंगे जो सारे कलर का लीडर है। कौन है वो कलर? येलो कलर है सर। ओके, तो येलो कलर को कंसिडर करते हैं डिविएशन के लिए, क्योंकि हर एक कलर में अलग अलग डिविएशन हो रहा है। सो वी डिफाइन इन ऑर्डर टू मेजर डिविएशन, डिविएशन को मेजर करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसका नाम है मीन डिविएशन। क्या नाम है सर? मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन क्या बताता है हमको? कि लाइट में टोटल डिविएशन कितना हुआ, डेल्टा मीन से लिखेंगे। मीन डिविएशन का मतलब क्या है बेसिकली? मीन डिविएशन का मतलब है डिविएशन इन येलो कलर, डिविएशन इन येलो कलर, डिविएशन वाई, वाई बोले तो येलो कलर। क्यों सर? क्योंकि येलो को क्या बोलते हैं? मीन कलर बोलते हैं। तो डिविएशन इन येलो कलर, अच्छा फार्मूला क्या हो जाएगा सर? तो डिविएशन इन मीन बोलो या मीन डिविएशन बोलो या डिविएशन इन येलो कलर बोलो, तो कितना होगा? थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन का फार्मूला क्या है? म्यू माइनस वन इंटू ए। बट प्रॉब्लम क्या है? ये येलो कलर के लिए है सर, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी किसके लिए लेना पड़ेगा? येलो, म्यू फॉर येलो कलर माइनस वन इंटू ए, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इन ऑर्डर टू मेजर द डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द वाइट लाइट, हम हर एक कलर का डिविएशन नहीं मेजर करेंगे, रेड वायलेट इंडिगो सबका नहीं मेजर करेंगे, हम किसको पकड़ेंगे? येलो कलर को पकड़ेंगे। यानी वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड मीन डिविएशन इन ऑर्डर टू मेजर द फिनोमिना ऑफ डिविएशन। और मीन डिविएशन किस में होता है सर? येलो कलर में होता है। कितना होता है? म्यू फॉर येलो माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। उसी तरह से डिस्पर्शन के फिनोमिना को मेजर करने के लिए, डिस्पर्शन को मैथमेटिकली यदि अपन को मेजर करना है तो उसके लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्शन। क्या नाम है सर? एंगुलर डिस्पर्शन या एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं सर? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन को जनरली थीटा से लिखते हैं। क्या होता है सर एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन इज नथिंग बट, ये एंगुलर डिस्पर्शन हमको बताता है कि स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग हुआ। तो स्प्लिटिंग किसके बीच में हो रहा है बेसिकली? रेड और वायलेट के बीच में हो रहा है, यही तो स्प्लिट कर रहा है ना अलग अलग कलर। तो एक्सट्रीम कलर क्या है? रेड और वायलेट। जितना ज़्यादा डिविएशन सॉरी स्प्लिटिंग हुआ उतना ज़्यादा एंगुलर डिस्पर्शन होगा। कहने का मतलब एंगुलर डिस्पर्शन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द रेड एंड द वायलेट कलर। रेड और वायलेट कलर के बीच में जो है एंगल आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल बना सर, उसी एंगल का नाम है क्या? एंगुलर डिस्पर्शन। सो वी हैव द टर्म एंगुलर डिस्पर्शन टू मेजर द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। क्या है सर? एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर। अच्छा ये कितना होगा सर एंगल? तो यहाँ से लेके एक्चुअल पाथ से वायलेट तक कितना है? डेल्टा वी है। और यहाँ से लेके रेड तक कितना है? डेल्टा आर। तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा बता दीजिए? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो दिस विल बी डेल्टा फॉर वायलेट माइनस टोटल एक्चुअल पाथ से वायलेट में हो गया डेल्टा वी और रेड में हो गया डेल्टा आर। तो ये बीच में एंगल कितना बन गया? डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। तो डिस्पर्शन यदि मेजर करना है हमको, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के फिनोमेना को मैथमेटिकली मेजर करना है, कितना ज़्यादा डिस्पर्स हुआ, कितना ज़्यादा लाइट स्प्लिट हुआ, तो उसके लिए अपन एंगुलर डिस्पर्शन देखते हैं। क्या है सर? दिस इज द एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड। तो ये है फिर क्या फार्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन, यानी एंगल एक्चुअल पाथ वायलेट इतना हुआ, रेड इतना हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगुलर डिस्पर्शन, एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड।
अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, थोड़ा देखिए। थीटा इक्वल टू, ये जो है ये डिविएशन का फार्मूला है सर, डिविएशन इन थिन प्रिज्म। बार बार बोले हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, डिविएशन का फार्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। क्लियर है क्या? चलो, बट ये वायलेट कलर के लिए है तो म्यू फॉर वायलेट माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा सर, रेड में ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए। अच्छा, किस कलर में है ये, रेड में, इसलिए म्यू फॉर रेड कलर माइनस वन इंटू ए। मल्टीप्लाई कर दो सर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू फॉर वायलेट इंटू ए माइनस ए, और इधर कर दो सर माइनस ऑफ कितना, म्यू फॉर रेड इंटू ए माइनस माइनस प्लस इंटू ए। ए ए यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ये वाला टर्म और ये तो कैंसिल हो गया टर्म। बोलिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ गया ए, तो क्या बच गया, वायलेट माइनस रेड इंटू ए। तो थीटा का ये दूसरा फार्मूला निकल गया, यानी एंगुलर डिस्पर्शन का एक फार्मूला डिविएशन के टर्म में, यानी डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड, यानी डिविएशन इन वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, दैट इज द एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट, नॉन एज एंगुलर डिस्पर्शन। और दूसरा फार्मूला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में है। तो बेसिकली दोनों फिनोमेना को मेजर करने के लिए आप उनके पास दो फार्मूले आ गए। क्या डिविएशन यदि मेजर करना है तो मीन डिविएशन देखो, और मीन डिविएशन मतलब मीन कलर में कितना डिविएशन हुआ, मीन कलर मीन्स येलो कलर। फार्मूला क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। और यदि डिस्पर्शन के फिनोमेना को मेजर करना है, कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग हुआ रेड और वायलेट के बीच में, तो उसके लिए हम देखते हैं एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट, नॉन एज एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड, और उसी को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में वायलेट माइनस रेड इंटू ए, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये फार्मूला आ गया। तो इन सारे फार्मूले को आपको थोड़ा ध्यान से माइंड में रखना पड़ेगा, और आगे जाके हम अब थोड़ी इसकी कहानी पढ़ते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि कई सारे सिचुएशन में हमको डिविएशन तो चाहिए बट डिस्पर्सन नहीं चाहिए, यानी लाइट की बेंड होना अपन को चलेगा बट उसका स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। यानी बेसिकली हमको दो सिचुएशन चाहिए सर, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। यानी अपन को क्या चाहिए, डिविएशन चाहिए विदाउट डिस्पर्शन, मतलब उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, बेंडिंग हुआ तो चलेगा। और दूसरा अपन को उल्टा चाहिए, क्या चाहिए सर, हमको डिस्पर्शन चलेगा, यानी डिस्पर्शन विदाउट व्हाट, विदाउट डिविएशन, विदाउट डिविएशन। तो ये दो फिनोमेना अपन को चाहिए। क्या एक्चुअली में एक सिंगल प्रिज्म लिए तो इन अ सिंगल प्रिज्म डिविएशन एंड डिस्पर्शन बोथ विल ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ साथ पॉसिबल है। ऑब्वियस है ना सर, यदि स्प्लिटिंग हुआ तो स्प्लिट हुआ तो एक्चुअल पाथ से अलग अलग डिविएशन होगा, यानी जहां पे डिविएशन हुआ वहां डिस्पर्सन भी जरूर होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग और बेंडिंग दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहा है सर। यानी इन अ सिंगल प्रिज्म, एक सिंगल प्रिज्म में डिविएशन और डिस्पर्शन दोनों एक साथ होता है। तो आपको यदि बोला ये लो सिंगल प्रिज्म और इसमें केवल डिविएशन प्रोड्यूस करो डिस्पर्सन नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर डिस्पर्सन प्रोड्यूस करो डिविएशन नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल प्रिज्म में डिस्पर्शन और डिविएशन, लाइट का स्प्लिटिंग और लाइट का बेंडिंग दोनों साथ साथ होता है सर। यानी सिंगल प्रिज्म में डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये कहानी समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, एक सिंगल प्रिज्म में डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन या डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हमको वो फिनोमेना चाहिए जहां पे डिविएशन तो हो रहा है बट डिस्पर्शन नहीं है, या फिर डिस्पर्शन हो रहा है डिविएशन नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर, हमको कंबाइन करना पड़ेगा सर, दो प्रिज्म को कंबाइन करना पड़ेगा, एक प्रिज्म से काम नहीं चलने वाला। यदि हम दो या दो से ज़्यादा प्रिज्म को अपन कंबाइन कर दे रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में या वैसे कंबाइंड सिचुएशन में हमको डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन मिल सकता है। तो अब थोड़ा कहानी लिख रहे हैं, यानी इस दो फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, बट इस दो फिनोमेना के बारे में जानने से पहले हमने जो अभी बोला उस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। क्या क्या बोले सर, वही लिख देते हैं। तो इन अ सिंगल प्रिज्म लिख रहे हैं सर, जो बोला अभी वही लिखता हूं मैं, ठीक है, नोट करके ये तीन पॉइंट्स लिखो सर। पहला पॉइंट क्या है,
इन अ सिंगल प्रिज्म, इन अ सिंगल प्रिज्म डिस्पर्शन एंड डिविएशन, डिस्पर्शन एंड डिविएशन बोथ occurs simultaneously, simultaneously यानी deviation और dispersion दोनों एक साथ होता है. So for a single prism dispersion without deviation or deviation without dispersion is not at all possible. एक सिंगल प्रिज्म में यदि आपको बोला डिविएशन जनरेट करो डिस्पर्सन नहीं, या डिस्पर्सन जनरेट करो डिविएशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हेंस वी नीड टू कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यदि है, यानी एक से ज़्यादा प्रिज्म है, यानी दो प्रिज्म को यदि अपन कंबाइन कर दिए, तो वैसे सिचुएशन में डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन या डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन पॉसिबल है. एक सिंगल प्रिज्म में ये कहानी पॉसिबल नहीं है, वही लिखें. इन अ सिंगल प्रिज्म डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, सॉरी डिस्पर्शन एंड डिविएशन बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली. सो फॉर अ सिंगल प्रिज्म डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. Hence we need to consider the combination of prism. यानी यदि अपन को dispersion without deviation चाहिए या deviation without dispersion चाहिए, तो दो prism को combine करेंगे. अब कैसे combine करेंगे वो अभी formula पे dependent है. चलिए ये कहानी समझ में आ गया आपको. यानी dispersion चाहिए deviation नहीं, deviation चाहिए dispersion नहीं, तो अपन को prism को combine करना पड़ेगा. एक prism से काम नहीं चलेगा, मिनिमम दो प्रिज्म लेने पड़ेंगे. चलिए इसको पढ़ने के पहले हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, उसका नाम है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं सर? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म ओमेगा से लिखते हैं सर. डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म कैसे डिफाइन करते हैं सर? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? इट इज डिफाइंड एज, डिफिनेशन लिख लेते हैं. It is defined as angular dispersion per unit mean deviation. Yani dispersive power of a prism is defined as angular dispersion per unit mean deviation. क्या होता है सर? ओमेगा. ये होता है angular dispersion. Angular dispersion को किससे लिखते हैं? थीटा से. Angle between violet and red by per unit mean deviation. Mean deviation मतलब क्या हो गया सर? Mean मतलब कौन सा deviation? Yellow color वाला deviation. तो this is the definition of what? This is the definition of डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म. ओमेगा से लिखते हैं. क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन पर यूनिट मीन डिविएशन. एंगुलर डिस्पर्शन किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड. और ये तो बताइए आपको, यानी इसका फॉर्मूला यदि डिविएशन के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन मतलब एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड. तो डिविएशन इन वायलेट माइनस डिविएशन इन रेड, दैट इज द एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड बाय मीन डिविएशन मतलब येलो कलर में डिविएशन. तो ये हो गया सर. इसी फॉर्मूले को यदि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? तो ओमेगा ओमेगा. अच्छा, थीटा का फार्मूला रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अभी भी निकाले थे क्या? म्यू फॉर वायलेट माइनस म्यू फॉर रेड होल इनटू ए बाय. अच्छा, ये हो गया थीटा का फार्मूला सर. थीटा का फार्मूला वायलेट माइनस रेड इनटू ए. और मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन मतलब येलो कलर में डिविएशन. तो डिविएशन का फार्मूला क्या है थिन प्रिज्म में? म्यू माइनस वन इनटू ए, बट मीन मतलब येलो कलर, इसलिए येलो. क्लियर है क्या? ए और ए सर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू बता दो कितना आ गया सर? तो ओमेगा इक्वल टू ये आ गया वायलेट माइनस रेड बाय येलो माइनस वन.
ओके, तो ये होता है फार्मूला। आइदर इस फार्मूले को याद रखो या फिर इस फार्मूले को, क्लियर है? ये फार्मूला किसके टर्म में है? दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ डिविएशन। डिविएशन इन वायलेट माइनस डिविएशन इन रेड बाय डिविएशन इन येलो इज नॉन एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो वायलेट कलर माइनस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर माइनस वन, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ये फार्मूला है। जनरली अभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एक डेरिवेशन जो अभी हम डेरिवेशन करेंगे उसमें बेसिकली ये फार्मूला हम यूज करेंगे, क्लियर है क्या? तो ये क्या होता है सर? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म होता है। डिस्पर्सिव पावर का जनरली मीनिंग क्या है सर? व्हाट इज द फीलिंग? नहीं आ रहा है सर डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव पावर, पावर का मतलब ये समझो कि कितना ज़्यादा वो बेंड कर सकता है, कितना ज़्यादा स्प्लिट कर सकता है, यानी स्प्लिट करने की कैपेबिलिटी कितना ज़्यादा है एक प्रिज्म का, लाइट को कितना ज़्यादा स्प्लिट करने की कैपेबिलिटी है, दैट फिनोमिना इज नॉन एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। पावर मतलब स्प्लिट करने की कैपेबिलिटी। चलो सर, तो ये फार्मूला है, इसको थोड़ा से ध्यान से याद रखें। चलिए सर, अब आते हैं कि अपन को चाहिए डिस्पर्सन, नहीं चाहिए डिविएशन, बहुत हो गया डिविएशन, यानी डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन चाहिए और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो कहानी क्या है सर? यदि डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन चाहिए या डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, दो प्रिज्म को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो फोर लिख रहे हैं इधर, थोड़ा सा फिर से लिख रहे हैं, देखिए, फोर डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, समझ में आ गया ना कहानी? एक ही बार डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलो सर, तो पहला लेते हैं क्या? पहला में हमको क्या चाहिए सर? पहला में हमको चाहिए डिविएशन, डिविएशन चाहिए बट डिस्पर्सन नहीं चाहिए, विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्शन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी डिविएशन चाहिए सर बट डिस्पर्सन नहीं चाहिए, दो प्रिज्म को अपन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यदि हमने दो प्रिज्म कंबाइन कर दिया तो क्या लिख सकते हैं? फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, दो प्रिज्म को अपन क्या कर दिया सर? कंबाइन कर दिए। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, यदि दो प्रिज्म को कंबाइन किए तो फार्मूला डिविएशन और डिस्पर्सन का, डिविएशन को किससे मेजर करते हैं सर? डेल्टा से। तो नेट डिविएशन कितना हो जाएगा? दो प्रिज्म आ गया ना, तो डिविएशन का पहले के कैसे मेजर करते थे? मीन कलर से। तो अभी भी वही होगा, म्यू फॉर येलो माइनस वन इंटू ए, बट दो है सर, तो दो है तो अपन क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू फॉर येलो माइनस वन इंटू ए, इसको लिख रहे डैश डैश। इसका मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से समझो। मान लेते हैं अपन के पास दो प्रिज्म है, एक ये प्रिज्म दूसरा ये प्रिज्म, इसमें ये वाला एंगल है ए, इसमें ये एंगल है ए डैश, क्लियर है क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे ए, इसमें है ए डैश। इसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स येलो कलर का है म्यू फॉर येलो, और इसमें जब है वो है म्यू फॉर येलो डैश, है क्या? तो व्हाट इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, व्हाट इज ए डैश एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ सेकंड प्रिज्म, दो को कंबाइन कर लें इसलिए दो ले रहे हैं। व्हाट इज म्यू वाई एंगल, सॉरी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, व्हाट इज म्यू वाई डैश, दैट इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर सेकंड प्रिज्म फॉर येलो कलर। कहानी क्लियर है क्या? तो नेट डिविएशन में दो प्रिज्म आ गया, इसलिए पहले नेट डिविएशन का फार्मूला केवल इतना था सर, इतना, बट अब क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, क्यों? मीन डिविएशन मतलब येलो कलर का, नेट डिविएशन दो आ गया इसलिए ये हो गया। चलिए, तो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म नेट डिविएशन इतना है, तो नेट डिस्पर्शन कितना होगा? तो डिस्पर्शन को किससे लिखते हैं? थीटा से। फार्मूला क्या है डिस्पर्शन का? डिस्पर्शन का फार्मूला है वायलेट माइनस रेड इंटू ए, ये तो पहला प्रिज्म का हो गया सर। दूसरे प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा? वायलेट डैश माइनस रेड डैश इंटू ए डैश, क्लियर है क्या? व्हाट इज सर म्यू वी? म्यू वी इज द वायलेट कलर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, म्यू आर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म फॉर रेड कलर, ए एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, म्यू वी डैश वायलेट कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर सेकेंड प्रिज्म, म्यू रेड डैश मतलब रेड के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकेंड प्रिज्म, ए डैश एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द सेकेंड प्रिज्म, इतना है सर। तो दो टर्म आ गए हैं सर। अभी के लिए कहानी में हमको क्या चाहिए? डिविएशन चाहिए विदाउट डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन नहीं चाहिए, क्लियर है क्या? अभी हमको क्या चाहिए? डिस्पर्सन नहीं चाहिए, तो बताइए क्या लिखें? फॉर नो डिस्पर्शन,
विदाउट डिस्पर्सन है ना, तो डिस्पर्सन नहीं चाहिए अपन को, तो फॉर नो डिस्पर्शन, थोड़ा ध्यान से समझते जाइए सर, फॉर नो डिस्पर्शन, यदि डिस्पर्सन नहीं है तो थीटा नेट कितना हो जाएगा सर, थीटा नेट जीरो हो जाएगा। और थीटा नेट है क्या हमारे पास सर, तो हमारे पास है थीटा नेट वायलेट माइनस रेड इंटू ए प्लस वायलेट डैश माइनस रेड डैश इंटू ए डैश इक्वल टू क्या, जीरो है क्या। यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं सर, बताओ तो थोड़ा ध्यान से ए डैश की वैल्यू क्या होगा, ए डैश तो ये पहले उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, वायलेट माइनस रेड इंटू ए, अच्छा ये केवल मल्टीप्लीकेशन में ए डैश के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो वायलेट डैश माइनस रेड डैश, ये किसका वैल्यू आ गया सर, ये आ गया ए डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से देख के बेसिकली क्या पता चल रहा है, इस फार्मूले से हमको बेसिकली दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो पता चल रहा है सर। क्या कैसे पता चल रहा है, यदि पहले प्रिज्म के एंगल ए है और दूसरा प्रिज्म का एंगल ए डैश है, तो इसको यदि अपन प्लस लिए, ये तो हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेड से ज़्यादा होता है, तो ऊपर प्लस होगा, वायलेट का रेड से हमेशा ज़्यादा होता है, ये भी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये पूरा ब्रैकेट जो दिख रहा है ये ब्रैकेट हमेशा प्लस होगा। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म पहला का हमने प्लस लिया तो दूसरा का क्या आएगा सर, बीच में एक माइनस साइन है, इसका मतलब दूसरे का आएगा माइनस, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। ऐसे सिचुएशन में यदि हम कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन प्रिज्म का कैसा बनेगा, एक का एंगल प्लस और दूसरे का एंगल क्या, माइनस, क्योंकि ये प्लस है पूरा प्लस है, तो ऑब्वियसली ए डैश क्या आएगा, माइनस। तो कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा सर, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा सर, यदि आपने दो प्रिज्म को कंबाइन किया तो ये एक पहला प्रिज्म है, इसमें ये एंगल को आपने प्लस लिया है पहला एंगल, तो ये यदि प्लस में है तो दूसरा एंगल किधर होगा, माइनस में, माइनस में मतलब वो एंगल नीचे लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए डैश, समझे क्या। तो ये एंगल पहला प्रिज्म ये वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो, दो प्रिज्म कंबाइन किए, दिस इज आवर फर्स्ट प्रिज्म, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट प्रिज्म है क्या, ओके दिस इज आवर फर्स्ट प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है ए, और ये वाला के कितना है सर ए डैश, उल्टा क्यों है सर, क्योंकि एक प्लस तो दूसरा क्या होगा सर, माइनस। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, यदि डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन चाहिए, तो यहाँ पे डिविएशन तो होगा बट डिस्पर्शन नहीं होगा, यानी स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो स्प्लिटिंग डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगा सर, स्प्लिटिंग नहीं हुआ इसका मतलब क्या, व्हाइट लाइट गया था इधर से, स्प्लिट नहीं हुआ, व्हाइट इधर से गया और इधर से बाहर भी क्या आया, वाइट ही आया, वाइट गया था और वाइट बाहर आया, उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हुआ, सो देयर इज नो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं हुआ, केवल डिविएशन हुआ, देखो डिविएशन हुआ, एक्चुअल पाथ क्या था सर, एक्चुअल पाथ इसका ये था और डिविएट होके ये इधर से बाहर निकला तो ये हो गया डिविएशन, कितना डिविएशन, दैट इज द डेल्टा नेट, नेट डिविएशन इतना है दोनों कॉम्बिनेशन के बाद, बट इसमें कोई डिस्पर्सन नहीं हुआ सर, इसमें कोई डिस्पर्सन, इसमें कोई डिस्पर्सन नहीं है, ओके हाँ, तो वाइट गया था, वाइट बाहर आया, सॉरी डिस्पर्सन नहीं मतलब स्प्लिटिंग नहीं हुआ, तो वाइट में डिविएशन हुआ केवल, नेट डिविएशन, डिविएशन हो रहा है, डिस्पर्सन है, वाइट गया, वाइट बाहर आया, स्प्लिटिंग नहीं हुआ यानी डिस्पर्सन नहीं हुआ। तो ये हम अरेंजमेंट समझ में आ गया इस फार्मूले से, यदि प्लस है तो ये एडस माइनस होगा, इसलिए उल्टा कॉम्बिनेशन होगा, एक प्रिज्म ऊपर दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड, इस तरह का डिविएशन हो रहा है सर। अच्छा डिविएशन यदि हो रहा है तो कितना हो रहा है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन केस ऑफ डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन व्हाट इज द नेट डिविएशन, डिविएशन तो होगा, कितना डिविएशन होगा सर, तो वो निकाल रहे हैं, तो नेट डिविएशन का फार्मूला आप उनके पास है क्या सर, नेट डिविएशन का फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखते जाओ सर, कितना है, ये है म्यू फोर येलो माइनस वन इंटू ए प्लस येलो डैश माइनस वन इंटू ए डैश, यही है सर। चलो ए डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए डैश की वैल्यू ये निकाला आपने, यहाँ पे पुट कर दो, तो बोलते जाओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा नेट, बोलते जाओ सर थोड़ा ध्यान से, येलो माइनस वन इंटू ए प्लस, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये हो गया येलो डैश माइनस वन ए डैश, ए डैश की वैल्यू कितना है सर, ये माइनस है सर, तो यहाँ पे यदि माइनस पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और पूरा वैल्यू को एज इट इज उधर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वायलेट माइनस रेड बाय वायलेट डैश माइनस रेड डैश
होल इनटू ए। बेसिकली ये वाली वैल्यू हमने ए डैश की वैल्यू वहाँ पे पुट किया है, ए डैश की वैल्यू यहाँ से ये वाला वैल्यू हमने पुट किया। अब थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं सर, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार फार्मूले आने वाले, बहुत ही छोटा आएगा, देखने में बड़ा लग रहा है। थोड़ा ध्यान से यदि देखो तो अपन क्या कॉमन लिए हैं और क्या कर दिए, थोड़ा समझो तो क्या क्या लिख दिए, यदि समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम है ही। थोड़ा ध्यान से देखो बालक, ये पूरा टर्म कॉमन ले लिए सांबा, पूरा टर्म कॉमन ले लिए, तो यहाँ बाहर निकाल दिया, ये वन बच जाएगा, माइनस माइनस। अब जो खेल है थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, देखो ये समझ में आया कि नहीं। वायलेट माइनस रेड बाय ये हो जाएगा येलो माइनस वन, ओके। ए ए बाहर आ गया है, ये पूरा टर्म बाहर आया इसलिए वन। अच्छा दूसरा टर्म क्या बच गया देखो तो, थोड़ा ध्यान से समझो समझ में आया कि नहीं। ये हो जाएगा सर, ये हो गया वन बाय, ये हो जाएगा वायलेट डैश माइनस रेड डैश बाय येलो डैश माइनस वन। देखो तो सर समझे कि नहीं आप, समझे कि नहीं आप, यही बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको पूरा को मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये हमने कॉमन लिया था, ये वाला टर्म कॉमन लिया, बट इधर है क्या ये टर्म, नहीं है, इसलिए इससे डिवाइड करना पड़ गया। ये वाला टर्म कॉमन लिया, इधर नहीं है तो डिवाइड कर, ये वायलेट माइनस रेड, वायलेट माइनस रेड, और इसको कॉमन लिया इसलिए डिवाइड कर दी। चलो ए तो बाहर आ गया था, ए बाहर आ गया, ओके। ये येलो डैश माइनस वन ऊपर था तो नीचे का नीचे चला जाएगा, तो ऑलरेडी नीचे क्या है येलो डैश, सॉरी वायलेट डैश माइनस रेड डैश, और ये ऊपर था तो इसलिए नीचे चला गया। कहानी क्लियर है, इतना नहीं समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई करो देखो वही आएगा, क्लियर है। ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, आपको एग्जाम के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, क्लियर है। चलिए तो नेट डिविएशन अब लिख रहे हैं, देखिए मज़ेदार छोटा सा फार्मूला आ जाएगा। क्या हो गया बेसिकली, ये पूरा क्या बन गया, तो म्यू माइनस वन इंटू ए, ये डिविएशन का फार्मूला आता है सर, बार बार यूज़ कर रहे हैं हम डिविएशन का फार्मूला, क्या म्यू माइनस वन इंटू ए है क्या। बट ये येलो कलर के लिए है, यानी ये मीन डिविएशन है पहले प्रिज्म का, तो पहले प्रिज्म के डिविएशन को डेल्टा से लिख रहे हैं, क्योंकि पहले प्रिज्म के लिए तुम म्यू वाई लिखे तो ये क्या हो जाएगा मीन डिविएशन फॉर येलो कलर फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, पूरा हो गया डिविएशन फॉर फर्स्ट प्रिज्म। अच्छा ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन वन माइनस, ये देखो तो क्या बन गया सर, क्यों हमने ऐसा लिखा है, अभी अभी फार्मूला डिराइव किए थे, वायलेट माइनस रेड बाई येलो माइनस वन, देखो फार्मूला था डिस्पर्सिव पावर का, डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा का फार्मूला था, तो ये हो जाएगा ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, क्योंकि जिसमें डैश नहीं है वो फर्स्ट है और जिसमें डैश है वो सेकेंड है। अच्छा वन बाई दिस, तो वन बाई दिस मतलब ये पूरा ब्रैकेट फिर से वही बन गया, वायलेट माइनस रेड बाई येलो माइनस वन, दिस इज अगेन द डिस्पर्सिव पावर बट डैश मतलब सेकेंड प्रिज्म है क्या। तो ये आ गया मेरा प्यारा सा छोटा फार्मूला कि डिविएशन यदि होगा तो कितना होगा, इतना होगा डिविएशन इन द फर्स्ट प्रिज्म, दैट इज द डिविएशन इन द फर्स्ट प्रिज्म मतलब डेल्टा वाई, येलो कलर में डिविएशन इन द फर्स्ट प्रिज्म, वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। ओमेगा क्या है सर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, इसका डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा डैश किसका है, इसका डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस प्रिज्म इज ओमेगा और इस प्रिज्म का है ओमेगा डैश, तो नेट डिविएशन इतना होगा। किस पे डिपेंडेंट है, डिस्पर्सिव पावर पे डिपेंडेंट है, और पहले प्रिज्म से डिविएशन कितना होगा येलो कलर में वो है, तो डिविएशन इन येलो कलर वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश, दैट इज द नेट डिविएशन इन केस ऑफ डिविएशन विदाउट डिस्पर्सिव। कहानी समझ में आया, दो फार्मूले है बेसिकली कि एंगल ऑफ प्रिज्म इतना होगा दूसरा प्रिज्म का, और डिविएशन यदि है तो कितना है, इतना। डिस्पर्सन नहीं हो रहा है तो नेट डिस्पर्सन कितना है सर, जीरो है। तो ये पूरा कहानी है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, वी नीड टू कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, और दोनों को उल्टा रखना पड़ेगा सर, तभी ऐसा सिचुएशन अपन को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा कहानी हम उल्टा पढ़ते हैं, इस बार हमको हमने क्या लिया था सर, नेट डिविएशन को जीरो कर दिया था, सो ये फिनोमेना था विदाउट डिस्पर्शन मतलब नो डिस्पर्शन, तो नेट डिस्पर्शन जीरो था डिविएशन मिला। इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार अपन डिस्पर्शन चाह रहे हैं, यानी डिस्पर्शन अपन को चाहिए डिविएशन नहीं चाहिए, तो कहानी उल्टा हो जाएगा। नाउ दिस इज द सेकेंड केस, ओके। सेकेंड केस में क्या है सर, नाउ वी नीड द डिस्पर्शन, अब हमको डिस्पर्शन चाहिए यानी स्प्लिटिंग चाहिए, लाइट में स्प्लिटिंग होना चाहिए, डिस्पर्शन चाहिए बट डिविएशन नहीं चाहिए, इसलिए विदाउट डिविएशन, यानी वी नीड द डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग होगा। वाइट वाइट के टर्म में बाहर नहीं आएगा, वाइट जाएगा बट बाहर आएगा सेवन डिफरेंट कलर में,
अभी वाइट पहले गया था और वाइट ही बाहर आया था, डिस्पर्शन नहीं हुआ था। इस बार वाइट जाएगा, अलग अलग कलर में आएगा, बट डिविएशन नहीं होना चाहिए, यानी डिस्पर्सन चाहिए बट डिविएशन नहीं होना चाहिए। नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड, अब एग्जैक्टली उल्टा है सर, बट फिर भी दो प्रिज्म हमको चाहिए, एक प्रिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म फार्मूला तो वही रहेगा सर, ये किसके लिए फार्मूला है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन के लिए ये अपन का फार्मूला है क्या। इस बार क्या नहीं चाहिए सर, डिविएशन नहीं चाहिए, तो फॉर नो डिविएशन, फॉर नो डिविएशन, इस बार डिविएशन नहीं चाहिए, तो डिविएशन नहीं चाहिए तो नेट डिविएशन क्या हो जाएगा सर, जीरो। पहले क्या जीरो किए थे, नेट डिस्पर्सन यानी एंगुलर डिस्पर्सन जीरो किए थे, क्योंकि डिस्पर्सन नहीं चाहिए, इस बार डिविएशन नहीं चाहिए तो नेट डिविएशन को जीरो कर देंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है सर, म्यू फॉर येलो माइनस वन इंटू ए प्लस, दूसरा क्या है, म्यू येलो डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल टू क्या, जीरो चाहिए। चलो फिर से ए डैश का वैल्यू निकालो सर, कितना हो जाएगा, इसको पाकिस्तान में लेके जाओ, माइनस हो गया, ये हो जाएगा येलो माइनस वन, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, तो येलो डैश माइनस वन होल इंटू, ये ए उधर गया तो ए, फिर से सेम कहानी है सर। यानी इस बार भी अपन को यदि कहानी, यानी केवल क्या चाहिए हमको, डिस्पर्सन चाहिए, स्प्लिटिंग चाहिए, बट डिविएशन यदि नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से ए यदि प्लस है, ये तो हमेशा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स येलो वन से ज़्यादा होगा, ये भी वन से ज़्यादा, तो ये पूरा प्लस आएगा सर, और ये प्लस है तो बीच में माइनस है, यानी ए डैश क्या होगा, माइनस। फिर से कॉम्बिनेशन वैसा ही होगा, कॉम्बिनेशन कैसा होगा सर, एक यदि ऐसा है, एक यदि आपने ऐसा लिया, इधर ड्रॉ कर रहे हैं बाबा इधर, एक यदि तुमने ऐसा लिया प्रिज्म, ओके, तो दूसरा उल्टा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा, एक का प्लस एंगल है, दूसरा का क्या है, अपोजिट है, माइनस, तो ये हो गया एंगल ए और ये हो गया क्या, ए डैश। इस बार यदि वाइट लाइट गया, ध्यान से सुनना ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजिंग होगा, ये वाइट गया बालक, वाइट गया, कैसा लाइट गया सर, वाइट, वाइट गया और अलग अलग कलर में बाहर आएगा, तो अलग अलग कलर में बाहर आएगा, अलग अलग कलर में बाहर आएगा, बट थोड़ा ध्यान से यदि देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, अलग अलग कलर में बाहर आया तो सर डिविएशन हो गया ना, बच्चे बोलेंगे सर डिविएशन हो गया ना, नहीं हुआ बालक, क्योंकि डिविएशन का मतलब होता है डिविएशन इन येलो कलर, मीन कलर, और मीन कलर देखो तो एग्जैक्टली सेम पाथ में है, ये है येलो कलर, ये है वायलेट, और ये ऊपर वाला है क्या, रेड है क्या, तो डिविएशन नहीं होने का मतलब है कि किसी अदर कलर में डिविएशन नहीं होगा, येलो में डिविएशन नहीं होगा, क्योंकि मीन कलर में डिविएशन नहीं हो रहा है, इसलिए नो डिविएशन, नो डिविएशन कहने का मतलब मीन कलर में नेट डिविएशन क्या है, जीरो, मीन कलर मतलब येलो में नेट डिविएशन जीरो, यानी वाइट के एग्जैक्टली उसी पाथ में रहेगा, कौन, येलो, बाकी सब तो अलग अलग डिविएट होगा ही, तो नो डिविएशन कहने का मतलब है नेट डिविएशन जीरो, नेट डिविएशन कौन से कलर में सर, येलो में, तो वाइट जिधर है उसी लाइन में रहेगा येलो, बाकी सब में डिविएशन यानी स्प्लिटिंग हो रहा है, यानी डिस्पर्शन हो रहा है। चलो सर, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे नेट डिविएशन जीरो है, कौन से कलर में, येलो कलर में, तो क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्सन कितना हो रहा है, व्हाट इज द नेट डिस्पर्सन हियर, तो फार्मूला क्या है नेट डिस्पर्सन का, थीटा नेट कितना हो जाएगा, वायलेट माइनस रेड इंटू क्या, ए, ए प्लस प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको कॉपी कर दो, वायलेट डैश माइनस रेड डैश, ए डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए डैश की वैल्यू तुमने ये निकाला तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा और क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट कॉपी कर दो यहाँ पे, ये हो गया येलो माइनस वन बाय येलो डैश माइनस वन होल इंटू ए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, फिर से हम पूरे फर्स्ट टर्म को कॉमन लिख रहे हैं और फिर से अरेंज करके एक छोटा सा फार्मूला डिराइव करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, तो पूरा टर्म कॉमन ले लो, देखो कैसे लिख रहे हैं, पूरा टर्म कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, वायलेट माइनस रेड होल इंटू ए, चलो सर वन वन माइनस, इधर अब थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, देखो ये समझ में आया कि नहीं तुमको, बहुत ही मज़ेदार है ठीक है, ये पूरा अपन कॉमन लिए तो ये नीचे आएगा सर, यानी देखो क्या लिख दिए, क्या लिख दिए वो थोड़ा समझो बालक, ये जो लिखे हैं ना ये लाइन, ये लाइन
इसी लाइन में पूरा फार्मूला छिपा हुआ है। पूरा फर्स्ट टर्म कॉमन लिया तो बचा वन, ओके हमने ये पूरा टर्म कॉमन लिया सर, तो ये नीचे चला जाएगा, तो वायलेट माइनस रेड, क्योंकि ये कॉमन लिया और ये इधर है नहीं, तो ये नीचे चला गया। अच्छा ये ऊपर है पहले से, तो इसको इसके नीचे डाल दो, थोड़ा ध्यान से समझो, क्रिटिकल है सर, कन्फ्यूज़न हो सकता है। अच्छा इन टू में क्या बचेगा और क्या बचेगा, तो ये पूरा बच जाएगा सर, येलो सॉरी वायलेट डैश सर वायलेट डैश माइनस म्यू फोर रेड डैश बाय नीचे क्या है येलो डैश माइनस वन। समझो तो क्या किए सर, ये पूरा कॉमन लिए ए के साथ, पूरा कॉमन आ गया तो वन बचा। अच्छा ए इसमें भी है बाहर आ गया, ए का लेना देना नहीं, इसको कॉमन लिए बट इधर नहीं है तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे डिवाइड, पहले से ये ऊपर है तो उसको नीचे ला दिए, क्यों फार्मूला बनाना है डिस्पर्सिव पावर का, ओके ये एज इट इज़ रह गया और ये नीचे आ गया, तो फिर से फार्मूला बन गया। थोड़ा ध्यान से देखो तो किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया पहले प्रिज्म का क्या एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला क्या होता है वायलेट माइनस रेड इंटू ए। तो पहले प्रिज्म का क्या हो गया, फर्स्ट प्रिज्म का, दो प्रिज्म है ना, तो इसके लिए डिस्पर्सन है थीटा, समझ में आ रहा है, तो इसके लिए एंगुलर डिस्पर्शन है थीटा, तो पहले प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन होल वन वन माइनस, ये क्या बन गया सर, तो ये है वन बाय, ये नीचे क्या हो गया वायलेट माइनस रेड बाय येलो माइनस वन, ये होता है डिस्पर्सिव पावर, किसका पहला प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। अच्छा ये तब क्या बन गया सर, वायलेट माइनस रेड बाय येलो माइनस वन, ये दूसरा प्रिज्म का ऊपर है इसलिए ओमेगा डैश, तो ये क्या आ गया, दिस इज आवर फाइनल फार्मूला। नेट डिस्पर्सन यदि हुआ तो कितना होगा, थीटा वन माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा। ये पूरा कहानी था डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का, पूरा बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूले, इसको थोड़ा एक साथ रिवाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा किसमें नहीं होगा सर डिस्पर्सन, डिविएशन नहीं होने का मतलब येलो कलर में डिविएशन नहीं होगा, तो इन सारे फार्मूले को एक साथ थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी जो हमने बताया दो कहानी बताया सर, दो सिचुएशन बताया अपन, पहला बताया डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन। अच्छा इसके लिए क्या कहानी है, दो प्रिज्म को हमको कंबाइन करना पड़ेगा, ये इस तरह से होगा, उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है, एक का प्लस है तो दूसरे का, एक का एंगल प्लस दूसरे का, में वाइट गया है वाइट, नो डिस्पर्शन मतलब वाइट गया और वाइट ही बाहर आएगा, बट डिविएशन हुआ, तो कितना डिविएशन हुआ, तो ये एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल पाथ से ये बेंडिंग हुआ, इसी को बोलते हैं नेट डिविएशन। नेट डिविएशन कितना आ गया, सो नेट डिविएशन इज डिविएशन इन फर्स्ट प्रिज्म फॉर येलो कलर वन माइनस, ये हो गया ओमेगा बाय ओमेगा डैश। व्हाट इज ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। दूसरा कहानी उल्टा निकल गया सर, क्या निकल गया, दूसरा कहानी निकल गया डिस्पर्सन चाहिए विदाउट डिविएशन, इन डिविएशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए डिस्पर्सन, तो फिर से सेम कहानी करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू प्रिज्म, वी नीड टू कंबाइन एग्जैक्टली अपोजिट, ओके एक का प्लस दूसरा का माइनस। अच्छा इस बार इधर से गया, क्या गया सर वाइट लाइट गया, वाइट गया बट वाई के एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में, डिविएशन नहीं होने का मतलब येलो कलर में डिविएशन नहीं हुआ, सो दिस इज येलो कलर, बाकी सब कलर आएगा इधर वायलेट और इधर क्या रेड, तो स्प्लिटिंग हो रहा है यानी डिस्पर्सन हो रहा है बट डिविएशन नहीं हो रहा था। नेट डिस्पर्शन कितना हुआ, नेट डिस्पर्शन मतलब रेड और वायलेट के बीच में टोटल नेट एंगल कितना आएगा, तो यह आएगा डिस्पर्शन या एंगुलर डिस्पर्शन ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म की वजह से डिस्पर्सन है थीटा वन माइनस ओमेगा डैश यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म बाय ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म। तो ये सारी कहानी इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ये पूरा सिनारियो याद रखना पड़ेगा। प्रिज्म की एक लास्ट कहानी हम और पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म, और यहाँ से प्रिज्म का पूरा कहानी ख़त्म, ओके सो इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म, ओके
शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म। तो शिफ्ट कितना होगा, जैसे स्लैब की वजह से शिफ्ट होता है, स्लैब में आपने कहानी पढ़ा, ये एक स्लैब है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट को इधर से कोई ऑब्जर्वर ने देखा, ये आँख है ऑब्जर्वर का, तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिख के इधर दिखेगा, इसका इमेज दिखेगा, तो ये शिफ्ट हो जाता है इधर, दिस डिस्टेंस इज नोन एज शिफ्ट। और ये शिफ्ट का फार्मूला आपने मान लो शिफ्ट को एक्स से लिख रहे हैं, ये फार्मूला क्या आया था, थिकनेस ऑफ द स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये फार्मूला आया था 1-1 by μ, टी इंटू 1-1 by μ, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब था। उसी तरह से शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म कितना होता है, प्रिज्म की वजह से भी क्या होता है सर, लाइट में शिफ्ट होता है, या ऑब्जेक्ट कहीं और है दिखता कहीं और है, कहीं और है दिखता कहीं और है, तो थिन प्रिज्म की वजह से शिफ्ट कितना होगा, तो थिन प्रिज्म की वजह से शिफ्ट का हम फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये हमारा प्यारा सा थिन प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म है सर, थिन प्रिज्म, ओके, इधर कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट किधर है सर, ये ऑब्जेक्ट इस वर्टिकल लाइन पे, ये इस वर्टिकल लाइन पे है ऑब्जेक्ट, ओके, अच्छा थिन प्रिज्म है, एंगल बहुत ही छोटा है सर, एंगल ऑफ प्रिज्म थिन प्रिज्म है, तो इसके सेंट्रल पार्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, थिन प्रिज्म है ना, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ओके, अच्छा लाइट जाएगा तो कैसे जाएगा, ये लाइट इस तरह से गया और ऐसे बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, दो बार बेंडिंग होगा, बट समझने के लिए हम अभी सिंपल एक ही बार में बेंडिंग दिखा रहे हैं, थिन प्रिज्म है, ओके, तो ये लाइट इस तरह से गया, और जब भी लाइट पास होता है किससे, प्रिज्म से, ये बेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, एक्चुअली में यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, बट हम समझने के लिए एक ही बार में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, दोनों पॉइंट पे नहीं कंसिडर कर रहे, एक ही पॉइंट पे डिविएशन कंसिडर कर रहे, तो इस तरह से क्या हुआ, लाइट डिविएट हो गया, अच्छा एक्चुअल पाथ इसका क्या था सर, दिस वॉज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, ये एक्चुअल पाथ था लाइट का, इधर जा रहा था, ओके, दिस वॉज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ से ये डिविएट हो गया, लाइट इधर जाना चालू हो गया सर, ये इधर जाना चालू हो गया, ओके, फाइनली लाइट इधर गया, तो ये जो एक्चुअल पाथ से लाइट बेंड हुआ, फाइनल लाइट, ओके, इसी का नाम क्या है, डिविएशन, तो इधर यदि कोई ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को, एक्चुअली में दो लाइट होंगे, ठीक है, हम समझने के लिए एक लाइट ले रहे हैं, इस ऑब्जर्वर का ये आँख है सर, आँख है, ऐसा ही होता है ना आँख, पता नहीं कैसा होता है, ये आई है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये यदि देखेगा तो उसको ऑब्जेक्ट इधर नहीं देखेगा, उसको ऑब्जेक्ट किधर देखेगा सर, तो इसको बैकट्रेस करना पड़ेगा, हाँ उसको यहाँ पे दिखेगा ऑब्जेक्ट, यानी उसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा बेसिकली यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे नहीं दिखे, इधर दिखेगा, यानी शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुआ, दिस इज नोन एज व्हाट, शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म, इसी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं हम, शिफ्ट बोल रहे हैं सर, क्लियर है क्या, ये शिफ्ट कितना होगा सर, तो ये एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल भी कितना होगा सर, दिस एंगल विल बी ऑल्सो डेल्टा, डेल्टा मतलब डिविएशन, और डिविएशन इन थिन प्रिज्म आपको पता है डिविएशन कितना होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, वॉट इज म्यू, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, वॉट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, थिन प्रिज्म है तो ये डिविएशन होता है, अच्छा यदि आपको बोला जाए कि ये एंगल है तो ये क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, यानी शिफ्ट जो है वो क्या हो गया, आर्क के बराबर, तो शिफ्ट का फार्मूला क्या आ जाता है, बेसिकली एंगल इंटू रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये रेडियस के जैसा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि थिन प्रिज्म है, तो एक्स और ये एंगल कितना है डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इंटू एक्स, क्लियर है क्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है डेल्टा और रेडियस कितना है एक्स है, तो ये आर्क बन गया सर, ये आर्क बन गया ना इस तरह से एंगल, तो आर्क का आर्क मतलब शिफ्ट, तो कितना हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो बेसिकली शिफ्ट का फार्मूला क्या आ गया सर, शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म ये आ गया डेल्टा इंटू एक्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यदि लिखेंगे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस वन इंटू ए, ये हो गया होल इंटू क्या एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिज्म, अच्छा यहाँ पे नॉट पॉइंट क्या याद रखेंगे सर, नॉट करके क्या याद रखना है हमको, ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, शिफ्ट किधर होता है, शिफ्ट इज टूवर्ड्स द किधर एंगल ऑफ प्रिज्म,
एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ होता है, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, और किधर होगा, इस वर्टिकल लाइन पे ही शिफ्ट होगा। वर्टिकल लाइन मतलब बेस के साथ यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाओ, इसके पैरेलल प्रिज्म के पैरेलल वर्टिकल एक लाइन है और एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर है, इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट इज टुवर्ड्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, बहुत ही सिंपल, क्लियर है क्या? तो इस तरह के फार्मूले या शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म, हम ये फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में डायग्राम में दो रे लेते हैं और दोनों रे यहाँ पे कन्वर्ज होता है, बट समझने के लिए अपन फार्मूले को ऐसे याद रखेंगे। तो फार्मूला क्या है, शिफ्ट ड्यू टू प्रिज्म, प्रिज्म की वजह से एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर है और ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे है तो उसको इधर नहीं देखे, ऊपर दिखेगा, कितना ऊपर दिखेगा, डेल्टा इंटू एक्स, दैट इज नोन एज शिफ्ट। शिफ्ट का फार्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, शिफ्ट किधर होता है, टुवर्ड्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये पूरा प्रिज्म की कहानी था। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।